2019 के इलेक्शन की, जहां इलेक्शन की बात हो और बहन कुमारी मायावती का नाम ना आए तो ऐसा लगता है कि सभी काम रुक गए हैं। वहीं बहन कुमारी मायावती अपनी तेज समीकरण रणनीति के तहत तेलंगाना के अंदर बहुत बड़े समर्थकों के साथ बहुजन समाज के अंदर आज लोग उनसे जुड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज में शामिल हुए TIS के ये वरिष्ठ नेता के बारे में हम आपको बता दें कि इनके पीछे हजारों लोगों का समर्थन है और ये आज बसपा में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय समिति के नेता तथा राजा रुकू प्रताप ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ने उन्हें जनगांव से टिकट भी दे दिया है। राज रघु प्रताप ने बसपा सांसद तथा तेलंगाना प्रदेश के प्रभारी और वीर सिंह के समक्ष बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करा है। बसपा ने उन्हें जनगांव से टिकट दिया है और वीर सिंह का कहना है कि तेलंगाना में बसपा के अलावा कोई सी और की सरकार नहीं बनने देंगे। बसपा के विधायक विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इसी वक्त बसपा की टिकट के लिए काफी लोग इंतजार में हैं। बसपा को उम्मीद है कि इस बार तेलंगाना में पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तेलंगाना ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती का समीकरण बहुत अच्छे से बनता जा रहा है। वहीं आंध्र हो या कहीं भी स्टेट्स के अंदर हो, किसी भी स्टेट की बात करें तो आज बहुजन समाज का संगठन बहुत मजबूत होता जा रहा है। यही मौजूदा हालत देश के रहे और बहुजन समाज के साथ लोगों का संगठन समुदाय इसी तरीके से जुड़ता रहा तो बहन कुमारी मायावती को 2019 के अंदर प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये थी SNews की रिपोर्ट। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुजन समाज की खबरें पहुंच सके सबके पास। सभी बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए।